अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं मरियम फातिमा, रियल स्पीड न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की 10 अहम खबरें। आज की सबसे अहम बड़ी खबर ये है कि सऊदी अरब ने खुसूसी महारत के हामिल गैर मुल्कियों को शहरियत देने का ऐलान कर दिया है। सऊदी अरब के सरकारी खबर रसा इदारे SPA के मुताबिक क़ानून, मेडिकल, साइंस, कल्चर, खेल और टेक्निकल शोबों में खुसूसी महारत रखने वाले पेशेवार अफराद सऊदी शहरियत की दरख्वास्त दे सकते हैं। ये शाही फरमान विज़न 2030 का हिस्सा है, जिसका मकसद सऊदी अरब में खुसूसी महारत रखने वालों को मौक़े फराहम करना है। रियाज सीज़न में आज से दुनिया का सबसे बड़ा 10 रोज़ा तफरीही प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। तफरीही प्रोग्राम 21 नवंबर 2021 तक जारी रहेगा। इसका नारा दरियाफ्त करो, खेलो और शॉपिंग करो है। ये दुनिया भर में खेलों का सबसे बड़ा मेला होगा। वजारत ख़जाना ने दी नए सिक्कों की इजराई की इत्तला। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत मुल्क भर में कई प्रोग्राम किए जा रहे हैं, जिसमें हिंदुस्तान की अजसर नौ तामीरी व तरक्की की बात कही जा रही है। इस अजायम में वजारत ख़जाना ने 1, 2, 5, 10 और 20 रुपये के नए सिक्कों की अनकरीब इजराई का ऐलान किया है। नवाब मलिक पर कसा गया शिकंजा। वक्फ बोर्ड ज़मीन घोटाले में ED ने 7 मुकामात पर मारे गए छापे। महाराष्ट्र के सरकार में वजीर नवाब मलिक के मातहत आने वाले महकमे में एक मुबैना घोटाले का मामला सामने आया है, जिसके नतीजे में 7 मुकामात पर तलाशी मुहिम जारी है। इस तसलसल में औरंगाबाद में भी ED की छापेमारी चल रही है। असदुद्दीन अवैसी ने कासगंज में पुलिस तहवील में अल्ताफ़ की मौत खुदकुशी नहीं बल्कि ये एक महकमे की जानिब से कत्ल करार दिया है। नेज इन्होंने वज़ीर आला योगी और दीगर सियासी पार्टियों पर मजहब की सियासत करने का इल्ज़ाम भी आयद किया। वाज़ेह रहे कासगंज में हुई अल्ताफ़ की मौत को महकमे पुलिस की जानिब से एक खुदकुशी का सानहा बताया जा रहा है। पंजाब असम्बली सेशन में हुआ हंगामा, नौबत हाथापाई तक आ गई। पंजाब असम्बली सेशन के दौरान BSF के दायरे अख्तियार पर बात करते हुए जारहाना नजर आए वज़ीर आला चरणजीत सिंह और मरकज़ी हुकूमत को बताया तनकीद का निशाना। मरकज़ी सरकार रियासत के अख्तियार की खिलाफ वर्जी कर रही है। स्मृति ईरानी का प्रियंका गांधी पर तनकीदी निशाना। स्मृति ईरानी ने प्रियंका गांधी के नारे लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का मुकाबला करते हुए तनकीदी निशाना बनाया और कहा, घर में एक लड़का है जो लड़ नहीं सकता। उनका ये निशाना प्रियंका गांधी के भाई राहुल गांधी पर था। अब ये सियासत में जोक की हैसियत अख्तियार कर गया है। यशवंतपुर एक्सप्रेस चट्टान से गिरने के बाद पटरी से उतर गई। तमिलनाडु में यशवंतपुर एक्सप्रेस चट्टान से गिरने के बाद पटरी से उतर गई। धर्मापुरी ज़िले में ये वाक़ा पेश आया। मौसल इत्तला बमूजब तमाम 2348 मुसाफिर महफूज है। सुप्रीम कोर्ट का दिलचस्प रिमार्क, किसी भी केस के हारने में वकील की गलती नहीं। एक केस का फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तबसरा किया है कि कहना दुरुस्त नहीं कि वकील की दलाल में गलती थी, जबकि एक शख्स अपने मुकदमे के लिए 3 वकीलों की खदमात हासिल करने के बाद भी केस हार गया, जिस पर यह फैसला सुनाया गया। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने रियासती मुलाजमीन को DA जारी करने की खुशखबरी दी है, जिस पर तेलंगाना गैजेटेड ऑफिसर्स एसोसिएशन की सदर ममता और जनरल सेक्रेटरी A.Satyanarayana ने वो मुलाजमीन तंजीम के कायदीन ने चीफ मिनिस्टर KCR का खसूसी शुक्रिया अदा किया। तो ये थी नाज़रीन आज की 10 अहम खबरें। ऐसे ही अहम खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।